प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। प्यारे बच्चों आज हम सेवंथ क्लास में हिंदी का टेक्स्ट बुक बेटे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है दीप दान यानी दीपक का दान। दीप का अर्थ क्या है बेटे? चिराग यानी कि जो लड़का होता है परिवार में, ठीक है। तो आज हम बेटे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है दीप दान, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। यह इस चैप्टर से रिलेटेड थर्ड वीडियो रहेगी। प्रीवियस टू वीडियो में हमने पाठ परिचय, मुख्य पात्र कौन कौन है, पन्नाधाय कौन है सामली, जो पन्नाधाय के पास आकर विक्रमादित्य की हत्या का संदेश सुनाती है और साथ में यह भी बताती है कि आज बनवीर उदय सिंह को भी मार डालेगा। तो पन्नाधाय उदय सिंह को बचाने के लिए सामली के सामने प्रस्ताव रखती है कि मैं आज किसी न किसी तरह से उदय सिंह को बचा लूंगी। उसने दिमाग क्या लगाया कि उसने कीरत जो कि झूठी पत्तल उठाने वाला था उसको यह आदेश दिया, मतलब निवेदन भी कह सकते हैं हम इसको, कि तुम जो बड़ी सी टोकरी में झूठी पत्तलों को लेकर जाते हो, आज तुम उस बड़ी सी टोकरी में उदय सिंह को ले जाना और उसके ऊपर पत्तल ढक लेना। क्योंकि बेटे जैसे बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा था तो उसने मतलब चारों तरफ सिपाही फैला रखे थे, लेकिन कीरत तो झूठी पत्तल उठाने वाला था, उसको तो कोई रोकता नहीं था। तो इसलिए पन्ना ने भी इसी बात का फायदा उठाया और कीरत से कहा कि तू अपनी स्टोकरी में उदय सिंह को लेटाकर ले जा और ऊपर से पत्तल ढक ले, क्योंकि किसी को भी संदेह नहीं होगा। और इस तरह से वह योजना बना लेती है और उदय सिंह को राजमहल से बाहर भेज देती है। अब सामली का सवाल भी लाजमी था। सामली पूछती है कि उदय सिंह तो तुमने महल से बाहर भेज दिया, लेकिन अब जब बनवीर आएगा तो तुम उससे क्या कहोगी? अगर वह पूछेगा कि उदय सिंह कहाँ है, क्योंकि वह उसकी धाई थी तो उसको हर टाइम पता होता था कि उदय सिंह कहाँ है, तो वह पूछती है कि तुम उदय सिंह के बारे में बनवीर को क्या जवाब दोगी। तो वह योजना बनाती है अपने मन में कि मैं आज किस तरह से बनवीर से उदय सिंह को बचाऊंगी। और उसका सबसे महान बलिदान बेटे जो इतिहास में युगो युगो तक तो याद रखा जाएगा, उस बलिदान के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि उन्होंने बलिदान दिया क्या था। तो चलिए चैप्टर को आगे बेटे स्टार्ट करते हैं। पन्ना कहती है सामली से, कुंवर जी की सैया पर किसी और को सुला दूंगी, वह क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा कि यह कौन सोया है। तो पन्ना कहती है सामली से कि मैं कुंवर जी की सैया यानी कि बिस्तर बेड पर मैं किसी और को सुला दूंगी, और वह काफी गुस्से में तो है ही और वह पहचान भी नहीं पाएगा कि यह कौन सोया है। सामली, तो कुंवर जी की सैया पर किसे सुला दोगी? तो सामली की लाजमी था क्वेश्चन पूछना भी कि तुम कह रही हो कि कुंवर जी की सैया पर किसी और को सुला दूंगी, तो किसको सुलाओगी? पन्ना कहती है किसे सुला दूंगी? सोचती है सामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है। हृदय पर वज्र गिरना होता बेटे बहुत बड़ा आघात होना, आघात यानी बहुत ज्यादा दुख होना। मेरी आंखों में प्रलय का बादल घूमड़ रहा है। प्रलय का बादल होता बेटे विनाश, विनाश का बादल घूमट रहे नहीं, विनाश के थोड़ा सा शक होना कि विनाश होने वाला है। मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है, कि मेरे शरीर के एक एक रोम यानी नस नस में, नाड़ी नाड़ी में बिजली तड़प रही है, बिजली गिर रही है। सामली, धाय माँ संभल जाओ, ऐसी बातें ना कहो कुंवर जी की सैया पर। तो सामली तो वही बातें बार बार पूछ रही है। पन्ना कहते हैं सुला दूंगी उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है, चंदन को सुला दूंगी सामली। तो पन्ना क्या कहती है कि मैं उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है, आंखों का तारा यानी जो मेरा बहुत प्यारा है चंदन। चंदन कौन है? पन्ना का बेटा जो 13 साल का ही है, उदय सिंह 14 साल का है, सिसकिया यानी जो वह बहुत ज्यादा रोती है। चंदन को सुला दूंगी, उस नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। तो वह मतलब काफी कठोर हृदय से वह इस बात को कहती हैं कि मैं अपने बेटे को उस हत्यार की तलवार के नीचे रख दूंगी। पन्ना की बात सुनकर सामली कहती है
ढाई माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। तो वह तैयार हो जाती है कि मैं उदय सिंह की सैया पर अपने बेटे चंदन को सुला दूंगी। एकाएक भड़बड़ाहट की आवाज होती है, खटखटाहट की आवाज होती है। हाथ में तलवार लिए बनवीर आ जाता है। बनवीर मद्य पीने से उसके शब्द लड़खड़ा रहे हैं। पन्ना मद्य होता है बेटे, मदिरा यानी कि शराब, शराब पीने से, नशीला पदार्थ लेने से उसके शब्द भी लड़खड़ा रहे हैं। और वह कहता है पन्ना, पन्ना कहती है महाराज बनवीर, बनवीर सारे राजपुताने में एक ही धाई माँ है पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धाई माँ को प्रणाम करने आया हूँ। रुक कर ए धाई माँ की आंखों में आंसू, क्योंकि वह तो रो रही थी ना, सिसकियां ले रही थी, क्योंकि उसने जो योजना बनाई थी उसके तहत उसे अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के स्थान पर लिटाना था। तो बनवीर कहते हैं कि इस पूरे राज्य में एकमात्र पन्ना ध्याई ही ऐसी औरत है जो सबसे अच्छी है, और मैं इन्हीं को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। देखता है कि आपकी आंखों में आंसू क्यों है। पन्ना कहती है नहीं, आंसू नहीं है, आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। तो कहती है कि आज तो मेरे कुंवर बिना खाना खाए ही सो गए। बनवीर आज के दिन भोजन नहीं किया? अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है, कि आज के दिन उदय सिंह ने खाना नहीं खाया। आज तो उत्सव का, त्योहारों के जैसा दिन है, खुशी का दिन है, आनंद का दिन है। अट्टहास करता है, अट्टहास होता बेटे जोर जोर से हंसना। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। तो मेरे महल में सामंत, सामंत होता बड़े जमींदार, बड़े बड़े जमींदारों ने, 300 बड़े बड़े जमींदारों ने मेरे महल में भोजन किया है। आज कीरत बारीक की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। कीरत बारी का भी हमने पढ़ा ना, तो कीरत बारी जो झूठल पत्ते उठाने का काम करता, आज तो वह थक ही गया होगा, क्योंकि मेरे महल में 300 लोगों ने भोजन किया है। हंसता है और इस बात पर कि कीरत बारी थक गया है, जिंदगी भर के लिए वह थक गया। तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह, मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं। कुंवर उदय सिंह कहाँ है, मैं उनको अपने हाथ से ही खाना खिला दूं। पन्ना कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी, कि वे मेरे सिवा किसी के हाथ से भी भोजन नहीं खाते, मैं उनको खिला दूंगी। बनवीर कहता है मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ, कि मैं तो उनको अपने साथ ही लेकर जाना चाहता हूँ। पन्ना कहती है नहीं, यह नहीं होगा महाराज बनवीर। बनवीर कहता है चुप रह धाय, कहाँ है उदय सिंह की, उदय सिंह कहाँ है। पन्ना कहती है तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता, नीच नारकी, कि तू उदय सिंह को स्पर्श भी नहीं कर सकता, तू नीच है, नारकी, नारकी तू नरक का अधिकारी है। महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता, कि तुमने महाराणा विक्रमादित्य की तो हत्या कर दी, लेकिन अब तू उदय सिंह को देख भी नहीं पाएगा। बनवीर कहता मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी, कि मैं नहीं देखूंगा, मेरी तो तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी, कि जो मेरी तलवार विक्रमादित्य के खून से सनी हुई है वह उदय सिंह के खून से धोई जाएगी। पन्ना कहती है ओह क्रूर बनवीर, कि अरे निर्दयी बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे, कि तुम तो उदय सिंह की रक्षा करने वाले थे, रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे, कि तुम्हें करने तो चाहिए उसकी रक्षा, लेकिन क्या उसके बदले तुम उसको मारोगे, नहीं नहीं यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता महाराजा बनवीर, तुम राज्य करो चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज्य करो। पन्ना कहते हैं कि तुम्हें जहां भी राज्य करना है राज्य करो, लेकिन कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो, मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, मैं कुंवर उदय सिंह को लेकर सन्यासिनी। सन्यास होता बेटे जैसे संसारी जो विषय है, मोह माया, उसको छोड़ देना। तो वह कहती है कि मैं कुंवर उदय सिंह के साथ संन्यास ले लूंगी, उसको लेकर कहीं और चली जाऊंगी, तीर्थ में वास करूंगी, मैं यहाँ इस राज्य को छोड़ दूंगी और तीर्थों में जाकर रहने लग जाऊंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, तुम कौन सा मुकुट लेना चाहते हो, कि वह चित्तौड़ का राजा बनना चाहता था ना, कि तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे, लेकिन मेरा कुंवर उदय सिंह भी मेरी गोद में ही रहे। बनवीर महाराणा बनवीर मुझे यह भिक्षा दे दे, लेकिन बनवीर उसकी बात को नहीं सुनता और कहता है दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूँ, उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज्य सिंहासन की सीढ़ी है, कि जब उदय सिंह की हत्या होगी तभी तो मुझे राज सिंहासन मिलेगा, जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा, तू मेरे सामने से हट जा। लेकिन पन्ना कहती है मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की सैया से दूर कभी नहीं हटूंगी।
बनवीर उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट न हो। कि तूने तो बड़ा अच्छा किया कि तूने उदय सिंह को सुला दिया कि उसको मरने का भी दुख नहीं होगा। तलवार से मारना चाहता था वो, उसका मुख भी ढक दिया है। वारी धाए माँ बालक के मरने में भी ममता का ध्यान रखती है कि तुझे पता है कि ये मारा जाएगा लेकिन उसमें भी तुम अपने प्रेम का ध्यान रख रही हो। तीव्रता से बड़ी जल्दी से सैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चीर निद्रा में सुला दूं कि मैं उसे लंबी नींद में सुला दूं, यानी कि उसको मार दूं। पन्ना साहस से थोड़ी हिम्मत दिखाती है क्योंकि उसको पता था कि ये तो मेरा बेटा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा क्रूर नर अधम नारकी, कि ऐसा मत कर निर्दयी नीच मनुष्य और नरक के योग्य। ले मेरी कटार का प्रसाद ले। तो वह भी कटार ले लेती है, तलवार ले लेती है और आक्रमण करती है। उसकी चोट बनवीर की ढाल पर सुनाई देती है। ढाल मतलब वो भी सामने, उसके पास भी तो तलवार थी ना, तो वह तलवार को अड़ा देता है आगे और उसकी चोट उस ढाल पर सुनाई देती है। बनवीर क्रूर अट्टहास करता है, निर्दयी जोर जोर से हंसता है। निर्दयी जैसे कुछ गलत काम करते हुए हंसते हैं ना, राक्षस वगैरह हंसते हैं जैसे बेटे अब टीवी में। दासी क्षत्राणी कर लिए कटार का वार, कि दासी और क्षत्राणी यानी क्षत्रिय का धर्म का पालन कर रही थी ना वो, कर लिया तुमने अपनी कटार से वार। यह कटार मेरे हाथ में है, अब इससे वार करेगी। अब किससे वार करेगी? तो यह तुम्हारी तलवार तो मेरे हाथ में है, अब बता किससे वार करेगी। अब तुझे भी समाप्त कर दूं? तो वह कह रहा ना कि अब मैं तुझे भी मार दूं लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं नारी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए, तेरा हृदय तुझे नहीं धिकारता पापी। पन्ना कहती है कि इस नासमझ और सोते हुए बच्चे पर जो तू हाथ उठा रहा है, मतलब उस पर तलवार से तू वार करेगा, क्या इससे तेरा हृदय तुझे नहीं धिकार रहा पापी? बनवीर सैया के पास जाता है, बिस्तर के पास जाता है। यही है मेरे मार्ग का कंटक, कि यही मेरे रास्ते का कांटा है। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, कि आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप का दान किया है। मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज लो इस दीपक को, यह मेरा दीप दान है। दीप दान है मतलब दीपक का दान है। स्त्रियां क्या कर रही थी, नाच गा रही थी, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश कर रखा था। तो वह कहते हैं कि ये मेरे दीपक का दान है, और तो मैं भी यमराज को उदय सिंह को एक दीप के रूप में देना चाहता हूँ। तलवार से उदय के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। उदय सिंह को समझकर बनवीर बेटे उस चंदन पर तलवार का प्रहार कर देता है। पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है। पन्ना जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। कमरे में मंद लोह से दीपक जलता रहता है। संकलित है मतलब कहीं से एक पार्ट उठा रखा है, जहाँ चित्तौड़ की से संबंधित बेटे कहानी है, वहां से एक छोटा सा हिस्सा आज हमने पढ़ा, जो बहुत ही क्रूरतापूर्वक भी था और जिससे पढ़कर मन में गलाने भी आई और पन्ना के बारे में सोचकर गर्व भी महसूस हुआ। इस रिलेटेड 4 क्वेश्चन है। पन्ना ने कुंवर जी की सैया पर किसे सुलाने का निश्चय किया था बेटे? अपने बेटे चंदन को। बनवीर किसका संरक्षक था? बनवीर उदय सिंह का संरक्षण था। पन्ना ने नराधम किससे कहा? बनवीर को कहा था। क्यों? क्योंकि वह उदय सिंह को मारने के लिए आया था। बनवीर ने धोखे में आकर किसकी हत्या कर दी थी? बनवीर ने धोखे में आकर पन्ना धाय के बेटे चंदन की हत्या कर दी थी। तो आज बेटे हमारा रीडिंग में चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे।